नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द वंदे भारत। कोरोना महामारी के चलते देश के अस्पतालों में पैदा हुई ऑक्सीजन की किल्लत के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर दो कथित ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पहले ट्वीट में ऑक्सीजन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लताड़ा गया है, तो वहीं दूसरे ट्वीट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अहमियत देना बड़ी भूल बताया गया है। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार से दोनों ट्वीट। पहला ट्वीट, मैंने मोदी शाह का यह सोचकर विरोध नहीं किया कि ये मेरे हाथों में पले बड़े मेरे बच्चे देश को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन आज देश की हालत इन दोनों की जोड़ी ने ऐसी कर दी है कि जनता को सांस तक नसीब नहीं हो रही। मुझे ऐसा पता होता तो मैं इन व्यापारियों को कभी देश नहीं सौंपता। वहीं दूसरी ट्वीट में, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरा आरएसएस जैसे निर्दयी संघ को अहमियत देना। मैंने आरएसएस की हमेशा सेवा की। मैं राजनीति में उन लोगों को आगे लेकर आया जो संघ से जुड़े चेहरे थे। मैंने देश की भलाई के बारे में सोचा हमेशा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक भूल देश को नरक में डाल देगी। आपको बता दें, @LKAdvani यूजर नेम वाले जिस अकाउंट से भाजपा नेता आडवाणी के नाम पर ट्वीट किया जा रहा है, उसमें हमें कई बातें ऐसी दिखी जिनके सहारे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आडवाणी का असली अकाउंट नहीं हो सकता। इस अकाउंट के बायो सेक्शन में आडवाणी के सरनेम की अंग्रेजी स्पेलिंग यानी LALKRISHNAADWANI लिखी है, जबकि कई सरकारी वेबसाइट के मुताबिक उनके सरनेम की सही अंग्रेजी स्पेलिंग LALKRISHNAADWANI है, न कि ADWANI। इसी तरह इस अकाउंट से किए गए एक ट्वीट में उनके सरनेम की हिंदी स्पेलिंग आडवाणी लिखी है, जबकि सरकारी वेबसाइट के मुताबिक उनके सरनेम की हिंदी स्पेलिंग आडवाणी है। इतना बड़े कद का राजनेता अपने ही नाम की स्पेलिंग गलत लिखेगा, इसकी संभावना न के बराबर है। बता दें कि ये ट्विटर अकाउंट दिसंबर 2020 में बनाया गया था, लेकिन इस अकाउंट से किए गए पहले ट्वीट की तारीख 19 अप्रैल 2021 दिख रही है। ये बात भी शक पैदा करता है। इस अकाउंट से कुछ आपत्तिजनक भाषा वाले ट्वीट भी किए गए हैं। जाहिर है कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता सार्वजनिक तौर पर इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।